आज की इस वीडियो में हम एप्सन इंकजेट प्रिंटर को रिपेयर करने वाले हैं, जो कि ऑल इन वन प्रिंटर है, सबसे डुप्लेक्स प्रिंटर है और इसका मॉडल है एप्सन L6170। तो दोस्तों, इस प्रिंटर में जो प्रॉब्लम है, जब भी हम इसका सेल्फ टेस्ट लेते हैं या प्रिंट टेस्ट लेते हैं, तो इसकी जो है प्रिंटिंग की प्रोसेस पूरी होती है, लेकिन इसका जो पेपर है, प्रिंट आउट है, वो पूरा ब्लैंक आता है, मतलब इसमें कोई भी प्रिंट आउट नहीं आती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इस प्रॉब्लम को हम फिक्स करेंगे और डिटेल में जानेंगे कि ये प्रॉब्लम क्यों आती है और इसका सोल्यूशन क्या है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक सीई प्लस 450 यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, ये हमारे पास एप्सन का ऑल इन वन प्रिंटर है और हम इस प्रिंटर को रिपेयर करना सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसमें जो प्रॉब्लम है वो क्या है। तो हम इसका सेल्फ टेस्ट लेकर के देख लेते हैं। सेल्फ टेस्ट इसका लेने के लिए सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद हमको प्रिंट स्टेटस शीट पर जाना है। उसके बाद में ये प्रिंटर कॉन्स्टल ऑप्शन पर जाना है। उसके बाद प्रिंट शीट जो है इसको प्रिंट करना है। ओके करेंगे यहाँ पर और प्रिंट कर देंगे। अब थोड़ा इंतज़ार करेंगे, वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेपर आउट हो गया है, जो कि पूरा ब्लैंक है। इसमें कोई भी किसी भी तरह की प्रिंट नहीं आई है, कोई भी कलर नहीं आया है। हमने इसका स्टेटस चेक कर लिया है, तो यहाँ पे ब्लैंक पेपर आउट हुआ है। तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी इंक लेवल को चेक कर लेना है, इंक देख लेनी है। क्योंकि क्या होता है, नंबर दो जो प्रॉब्लम होती है, ये दो कारण प्रॉब्लम होती है। एक तो इंक हमने बता दिया आपको, इंक खत्म होने पर भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, और अगर लंबे समय तक प्रिंटर का इस्तेमाल नहीं होता है तो जो इसकी नोजल होती है वो ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से भी इसे प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। तो हमने दूसरी भी प्रिंटर लेकर के यहाँ पे देखा, इसमें भी है कोई भी प्रिंट नहीं आई हुई है। प्रिंटिंग मोमेंट तो हो रही है, प्रोसेस हो रही है, लेकिन वहाँ पर प्रिंट नहीं हो रही है। तो इस प्रॉब्लम को फिक्स कैसे करना है, तो चलिए देखते हैं। बैठ जाते हैं, इसके बाद सेटिंग में ही हमको ऑप्शन मिल जाता है मेंटेनेंस का। चल बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे हम। सेटिंग में जाने के बाद वन मिनट, सेटिंग में जाने के बाद मेंटेनेंस में जाएंगे। मेंटेनेंस में फिर हम ये प्रिंटर के जो नोजल है, प्रिंटर हेड नोजल को हम चेक करेंगे और थोड़ा इंतजार करेंगे। ये थोड़ा टाइम लेगा, एक इसकी नोजल जो है वो चेक होगी, उसके बाद में प्रिंट बाहर आएगी। तो यहाँ पे हमने करके देखा, फिर भी हमको यहाँ पे हमको कोई भी प्रिंट देखने को नहीं मिली, तो हम इसको कैंसिल करते हैं। चलते हम बाहर आ चुके हैं और इसके बाद में हमको चेक करना है प्रिंट हेड क्लीनिंग, ये प्रोसेस करनी है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, 3 से 4 मिनट, कभी कभी 5 मिनट भी ले लेता है ये। तो इसका वेट करेंगे और इस प्रोसेस को आपको कम से कम 4 से 5 बार करनी है। थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको चेक नहीं करना है, यहाँ पे अभी हमको नो चेक करना है और उसके बाद में फिर से प्रिंटर हेड को क्लीन करना है। फिर तुमने प्रिंट हेड क्लीन के लिए लगा दिया है। ये प्रोसेस को आपको भूलना नहीं है, 4 से 5 बार, कम से कम 5 बार तो करना ही है। और उसके बाद में फिर से आपको जो है इसके प्रिंट नोजल को चेक करना है। थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 कलर जो है, सैन, मैजेंटा, येलो, ये 3 कलर आ चुके हैं, लेकिन ब्लैक कलर जो है वो अभी भी मिसिंग है। तो फिर से हम कैंसिल करेंगे इसको। कैंसिल करने के बाद में एक बार फिर से इसका जो है प्रिंट शीट को टेस्ट करके देख लेते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि अभी हमने जो नोजल को चेक किया था, अभी प्रिंट को लेकर के देखते हैं। तो फिर प्रिंट शीट करेंगे और फिर उसके बाद प्रिंट। तो यहाँ पर हमारा पेपर बाहर आ चुका है और यहाँ पर हमको सिर्फ 3 ही कलर देखने के लिए मिल रहा है। अभी भी जो ब्लैक कलर है वो मिसिंग है। तो इसको करने के लिए अभी हमको 2 बार या 3 बार और हो सकते हैं क्लीन करना पड़ सकता है। इसको हम क्लीन करके जाएगी, सेम प्रोसेस आपको करनी है, सेम हेड को जो है क्लीन करना है, 2 से 3 बार और क्लीन करना है, आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी।